मम्मी के साथ। अरे लवली बाबू बाबू बस बस थैंक यू जैसा कि आप सब जानते हैं दीपिका कक्कर की सेकेंड प्रेगनेंसी को लेकर काफी चर्चा हो रही थी और रिसेंटली दीपिका कक्कर को एक ह्यूज बेबी बम के साथ स्पॉट किया गया था और यही रिपोर्ट्स आ रही थी कि दीपिका कक्कर सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट हैं और उनकी प्रेगनेंसी को लेकर एक बार फिर से काफी चर्चा होने लगी थी। लेकिन आपको ये बताते चलें कि दीपिका कक्कर बिल्कुल भी प्रेग्नेंट नहीं है और उनका वो फेक बेबी बम था जो उन्होंने झलक दिखलाजा में एक परफॉर्मेंस के लिए किया हुआ था। आप सब जानते हैं कि झलक दिखलाजा में शोएब इब्राहिम एज अ कंटेस्टेंट पार्ट ले रखे हैं और अब इस शो में आ रहा है फैमिली वीक। इस फैमिली वीक में कंटेस्टेंट्स की फैमिली ने भी आके परफॉर्म करना है और इसी फैमिली वीक में दीपिका कक्कर शोएब इब्राहिम के साथ डांस करने वाली हैं और वो डांस के थ्रू अपने बेटे रोहान की बर्थ स्टोरी दिखाने वाली हैं। जैसे ही ये डांस दीपिका और शोएब परफॉर्म करते हैं कंटेस्टेंट्स को तो बहुत पसंद आता है, वहीं पर जजेस भी इस डांस परफॉर्मेंस को देखकर काफी इमोशनल हो जाते हैं। और फराह खान की बात करें तो फराह खान की आंखों में तो आंसू भी आ जाते हैं। दीपिका कक्कर जहां रोहान की बर्थ स्टोरी बताएंगी वहीं पर रोहान को स्टेज के थ्रू इंट्रोड्यूस भी करवाया जाएगा। दीपिका कक्कर की ये स्टोरी बहुत ही इमोशनल होने वाली है और सभी इसका बहुत ईगरली वेट कर रहे हैं। आप इस सब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्या आप भी दीपिका कक्कर और शोएब इब्राहिम के इस परफॉर्मेंस का वेट कर रहे हैं? हमें कॉमेंट्स में बताना ना भूलिएगा।